आज मैं आपके साथ सेवैया उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम इसे घर पर कई बार बनाते हैं पर अक्सर यह चिपकी चिपकी सी बनती है। आज मैं आपके साथ ऐसी विधि शेयर करूँगी कि सेवैया हमेशा खिली खिली ही बनेगी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। पैन के गर्म होते ही उसमें हम एक टेबल स्पून घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म होता है इसमें हम एक कप सेवैया डाल देंगे। इसे वर्मसली भी कहते हैं। आप इसकी जगह रोस्टेड सेवैया भी ले सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे, जब तक कि यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सेवैया 2 प्रकार की होती हैं, एक मैदे वाली और दूसरी सूजी वाली। कोशिश करें कि सूजी वाली ही लें। सूजी वाली सेवैया बहुत खिली खिली बनती हैं। आप देख सकते हैं हमारी सेवैया अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गरम होते ही इसमें हम 1 टीस्पून राई डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और इसे हल्का सा हिला देंगे। आंच को हम कम ही रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसके बाद इसमें 10 से 12 करी पत्ते डाल देंगे। 1 प्याज बारीक कटा हुआ डालकर इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप मूंगफली डाल देंगे, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा या घिसा हुआ डालकर इन सबको पकाएंगे। हम मूंगफली को पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मूंगफली प्याज के साथ अच्छे से पक जाएगी। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद इसमें 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। आप इसमें सब्जियाँ अपनी पसंद की डाल सकते हैं या इसे बिना सब्जी डाले भी बना सकते हैं। शिमला मिर्च को भी हम प्याज के साथ पकाएंगे। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। मैं इसमें 1/2 कटोरी फ्रोजन मटर डाल रही हूँ। अगर आप ताज़ा मटर डालें तो मटर को आप पहले डाल दें जिससे कि वो जल्दी से पक जाए। अब इसमें हम मसालों को ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला का डाल रही हूँ। इससे इसका स्वाद तो बढ़ेगा ही और बच्चों को खाने में भी और भी मज़ा आएगा। अब इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। अब हम मसालों को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन चला जाए और बीच बीच में इसे हिलाते भी रहेंगे। अब हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। आप जिस भी कप या कटोरी से सेवैया लेते हैं उसी कप से आप 2 कप पानी डाल दें तो आपकी सेवैया बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। इसे हम एक बार मिला लेते हैं। इसमें हम ढक्कन रख देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। ढक्कन हटाकर देखते हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम रोस्ट की हुई सेवैया डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब इसमें वापस हम ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं सेवैया अच्छे से पक गई हैं और एकदम से खिली खिली सी बनी हैं। अब इसमें हम 1/2 नींबू को निचोड़कर डाल देंगे और नींबू को इसमें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लास्ट में इसमें कटा हुआ धनिया डालकर इसे भी इसमें मिला देंगे। हमारी खिली खिली सेवैया बनकर तैयार है। आप इसे नाश्ते में या इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। ये बनने में बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।